उसे तोड़ने वाले ने तोड़ा कैसे, क्या इस पर विचार नहीं किया? आगे वर्णन है, तहां राम रघुवंश मन सुनिय महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। जैसे हाथी कमल दंड को तोड़ दे, तो कहां तो हाथी और कहां कमल का दंड। तो हाथी के लिए कमल दंड तो जीर्ण ही हुआ, भले ही कमल दंड में चाहे जितना पौरुष हो, बल हो, प्रतिभा हो, उसमें चाहे जितनी शक्ति हो, लेकिन हाथी के सामने कमल दंड जून है, बस वही स्थिति है। संसार के सामने धनुष है कठोर, लेकिन तोड़ने वाले के सामने है कमजोर। संसार जिसको कठोर मानता है, राम के सामने वही कमजोर है। और जो संसार के सामने दुर्बल है, वही राम के सामने बलवान है। तभी भक्त लोग गाया करते हैं, सुनेरी मैंने दुर्बल के बलराम। जो संसार में कठोर बनता है, बलशाली बनता है, भगवान उसकी सहायता नहीं करते। ये धनुष संसार के लिए कठोर है, गरु कठोर विदित सब काहू, लेकिन राम के लिए भला ये कठोर है? क्या राम के लिए ये जून नहीं है? जो संसार के लिए जून है वो राम के लिए कठोर है, और जो राम के लिए कठोर है वो संसार के लिए जून है। ये द्वैत और अद्वैत का दर्शन है। राम जिसको जब चाहे कमजोर कर दे, जिसको जब चाहे बलशाली बना दे, जिसको जब चाहे चेतन कर दे, जब जिसको चाहे जड़ कर दे। एक प्रमाण भी है, उनके लिए कहा गया, जो चेतन को जड़ करें, जड़ें करें चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजे जीवते धन। इसलिए धनुष का यह जड़त, धनुष की यह जर्जरता आपके सामने प्रमाणित की। दूसरी बात जो आपने रखी कि देवरात को यह धनुष दिया गया, देवरात को दिया तो गया, लेकिन क्या इसके लिए दिया गया कि यह धनुष महान है, इसकी तुम पूजा करो? ना, जिस समय दिया गया तो धनु संक्रुद्धो विदेयेषु महायशा ददौ देवरातस हस्तौ ससायकम्। धनुष संक्रुद्धो क्रोध के सहित दिया गया। और एक बात मैं भरी सभा में पूछ रहा हूं और आप बताने का प्रयास करेंगे, धनुष संक्रुद्धो क्रोधित होकर दिया गया, त्याग दिया इसे। एक बार जब भगवान विष्णु के सामने यह धनुष नहीं चला, रुक गया, ठहर गया, तो इसे भगवान शंकर ने अपने से अलग कर दिया, क्रोधित होकर दे दिया। और धनुष ही नहीं दिया, ददौ हस्तौ ससायकम्। ससायकम्, सायकम कहते हैं बाण को, बाण के सहित दिया। तो धनुष तो यहां टूट गया, अब पता नहीं बाण कहां चला गया। इस संदर्भ में भी परशुराम जी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे कि वो बाण कहां चला गया। तो जो दिया गया उसके लिए प्रतिज्ञा भी हुई। एक श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं, ये जो धनुष है इसके लिए कहा गया, तौल इत्वा चयो भंगम तस्मै देई तोया कन्या एवं ही उक्ता गतो हरः। जो इस धनुष को तौल ले माने उठा ले, चयो भंगम जो इसको तोड़ दे, तस्मै देया तोया कन्या तुम्हारे द्वारा उसी को पुत्री देनी चाहिए, ऐसा कहकर गतो हरः, भगवान शंकर गतो माने चले गए। जब उनकी आज्ञा है तो फिर बीच में तीन पांच आप क्यों कर रहे हैं? हम पूछ रहे लक्ष्मण से, ये प्रमाण कहां का है? अगर कोई वस्तु क्रोध में दी जाती है तो उसे फेंक करके दी जाती है, लेकिन फेंक करके नहीं दी गई। भगवान शंकर ने देव रातम धनुम दत्वा पृत्वाच महेश्वरा देकर के कहा, और क्या कहा कि एतत राजा तुया गृहे सर्वदा भूत मिच्छता, ये वज्र से भी कठोर है, वज्र सार समायुक्तम कार्मकम विश्रुताम ब्रह्म तेज रनुलंगम यार तेन वाशम। अगर इसका नाश हो गया, अगर इसका अपमान हो गया तो कुल का जो है नाश हो जाएगा। भगवान शंकर ने ये कहा, क्रोध होकर के जो वस्तु दी जाती है उसे फेंकी जाती है। यहां तो छोटे छोटे बालक बैठे हैं समाज में, वो भी जो है इसका उत्तर दे देंगे। कभी कभी कोई कोई वस्तु क्रोध में दी जाती है लेकिन फेंकी नहीं जाती। वस्तु की मूल्यता है, क्रोध में अगर कोई पिता अपने पुत्र को संपत्ति देता है, क्रोध में अगर कोई पिता भूमि देता है अपने पुत्र को, तो बताइए भूमि फेंकने कहां जाएगा? तो जो वस्तु फेंकने योग्य होती है उसे फेंका जाता है। यह शिव धनुष था, यह फेंकने योग्य नहीं था। जो शिव शक्ति से ऊपर हो वो तो इसको फेंक सकता है,
तभी तो इसे कहीं फेंका नहीं गया, तोड़ने वाले ने ही फेंका है, क्योंकि उसमें शिवत्व भी है, उसमें ब्रह्मत्व भी है और उसमें रामत्व भी है, जो त्रिगुणातीत है उसी के द्वारा ये क्रिया की जा सकती है। धनुष, सच पूछो तो लक्ष्मण, जिस राम की तुम बढ़कर के बात करते हो, जिस राम की गाथा गाकर के बातें कर रहे हो, वो राम रमन्ते इत्स्य रामा, वो दशरथ पुत्र राम नहीं ये मान बैठे हो। धनुष किसके द्वारा टूटा यही तो तुम्हारा भ्रम है। धनुष संसार के 10,000 राजा लगे रहे, ऋषि लगे रहे, मुनि लगे रहे, उस समय जो है सीता पुत्री आई, अगर के धनुष के समक्ष खड़ी हो गई, गौरव का ध्यान किया, गणपत का ध्यान किया, सबका ध्यान करके उसे एक बात याद आई कि संसार में जिसका कोई नहीं होता है उसका एक ब्रह्म होता है, उसका एक परमात्मा होता है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये उसने विचार करके आई धनुष के समक्ष, और जो है सीता हाथ जोड़ करके धनुष के समक्ष खड़ी हो गई, और खड़े होकर के उसने संसार की तरफ से अपना मुंह हटा लिया और धनुष की प्रार्थना की, धनुष से कहा कि अब मोह शंभु चाप गत्तोरी, हे विधाता शंकर के धनुष, हम आपकी शरण में है और मेरा कोई दूसरा है नहीं, हम आपकी शरण में है। धनुष ने सोचा एक जनक की औरस पुत्री नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ करके हमारी शरण में आई। धनुष हल्का हो गया और हल्का होकर के तब धनुष का खंडन हुआ। तो धनुष जो है ताकतवर है, धनुष जून नहीं है, धनुष जो है टूटा और जो है उस पुत्री के कारण टूटा, और तुम्हें क्या मिला तुम जानते हो, तुम सोच रहे हो कि हमारे ऊपर फूल बरसाए गए। इस संदर्भ में मैं आपकी जो बात सुन रहा हूं उस पर चिंतन भी मेरा चल रहा है। आपने एक बात रखी कि ये जो धनुष है ये टूट गया है, तो बड़ा कठोर था ये, लेकिन हमारी दृष्टि में कठोर नहीं, क्योंकि छुवत टूट ये तो छूने से टूटा है महाराज जी। आप छुवत शब्द का अर्थ ये ना ले लें कि धनुष का स्पर्श हुआ और धनुष टूट गया, ना, क्रियाएं भी हुई, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, धनुष लिया गया, उठाया गया, चढ़ाया गया और खींचा गया, इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि छुवत टूट, तनिक इसका अर्थ भी तो समझिए। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष लिया, उठाया, चढ़ाया और खींचा, तो धनुष का आकार हुआ गोल, प्रमाण है दमके उदामिन जिम जब लयऊ पुन नव धनु मंडल समभयऊ। मंडल कहते हैं गोले को, घेरे को, और धनुष गोल तब होगा जब एक सिरा दूसरे सिरे से छू जाएगा, जब धनुष के दोनों सिरे आपस में मिल गए, जब एक सिरे से दूसरा सिरा छुआ, और जैसे ही छुआ तो छुबत टूट, जब जीवन के दोनों सिरे मिल जाते हैं तो मध्य क्रम का अभिमान अपने आप टूट जाता है। जब जीवन के दो पहलू, दोनों सिरे, जीवन का आदि और अंत राममय हो जाता है तो मध्य का जीवन मुक्ति पा जाता है, इसका ये गूढ़ार्थ भी है। जब जीव, देखिए इसमें क्रम और है, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष खींचा तो डोरी को अपनी ओर खींचा और दंड उनसे दूर हटा, जो डोरी की तरह खींच करके राम के निकट पहुंच जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो दंड की तरह राम से तनिक भी दूर हटते हैं उनकी यही गति होती है जो धनुष की गति हुई। एक और इसमें दर्शन है, डोरी राम की ओर आई, हृदय के निकट आ गई और दंड उनसे दूर हटा, डोरी दाहिने हाथ में, दंड बाएं हाथ में, जो राम के दाहिने हैं उसकी रक्षा होती है, संकट चाहे जितने पड़े, चाहे जितना खिंचाव पड़े, लेकिन जो राम के दाएं हो गया उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, और जो राम के बाएं हो गया, जो बाएं हाथ में चला गया, यहां बायां शत्रुता का प्रतीक है, इनके विरोध में खड़ा हो गया, उसे टूटना पड़ता है, इसलिए कठोर धनुष होते हुए भी टूटा, क्योंकि कठोरता के ऊपर जब विनम्रता होती है, मूल कठोरता का तब होता है,
और कठोरता जब विनम्रता का त्याग कर देती है तो ऐसी कठोरता को टूटना पड़ता है। इसलिए सुनिए सुजान, भृगुवंश अवतंस मुनि, कवन अपराध पे भंगे ये चढ़ाते हो, पिनाकियो पिनाकी को बहुत ही जून हतो, छूबत में टूट गयो नाई पतियाते हो, आपकी सपत ना दोष कछु भैया को, जीण को अजीण कह व्यर्थ इतराते हो, वीरन में वीर महावीर आप ऋषिवर हैं, तो सरासन जून पे क्यों क्रोधिये दिखाते हो। ओ राजा के लड़के, मुझ नहीं संभाल रहा है तू, और मुझसे क्रोधी के आगे क्यों आंख नकार रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड कोदंड भला छोटी छोटी धनुषम है या जूनषम है। लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि मात पिता ही जन सोच बस करस महीस किशोर, और गर्भन के अर्भक दलन परस्मोर अधोर, परस्मोर अधोर, परस्मोर अधोर। आपका परसा अति घोर है, मैं समझता हूं जहां तक क्रोध बहुत कर रहे हो इस समय। बाबा, ये आपका भूषण नहीं है, क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। और फिर आवेश के रथ पर चढ़े आवेग से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो, धन विभंजन पर तपोधन व्यर्थ सारा रोष है, स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है, ममतांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है, पूछो किसी से सब कहेंगे श्री राम जी निर्दोष हैं, ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्ध में बिठला रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुटला रहे हो, वीरता का आप ये मौखिक प्रदर्शन बंद कर दें, मगन वैभव की कथा का सुखद प्रवचन बंद कर दें, तपोनिष्ठ ब्राह्मण का तुम पाकर के पद इठला रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुटला रहे हो। लक्ष्मण, लोमस ऋषि का नाम सुना होगा, महान तपस्वी थे, महान योगी थे। लोमस ऋषि से श्रेष्ठ दूसरा कोई जो है ऋषि नहीं था। शिष्य में और गुरु में जब वार्ता हुई, वार्ता होने पर जो है कि निराकार ब्रह्म बड़ा है या साकार ब्रह्म बड़ा है, दोनों की जब वार्ता हुई, बार बार जो है लोमस ऋषि समझाते रहे, लेकिन समझाने के बाद जब वो शिष्य नहीं मानता है तो सुन खग बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञानन के लिए, इस तरह उन्होंने श्राप भी दे डाला। लोमस ऋषि ने कहा कि हो सपद पक्षी चांडाला, तो इस समय बात ये नहीं है कि आप ब्राह्मण है, ये नहीं है कि आप तपस्वी है, ये नहीं है कि आपका भूषण क्रोध नहीं है। लक्ष्मण, समय आज स्थिति ऐसी बन गई, इस स्थिति के अनुसार अगर मैं आया था, संसार जानता है कि दूध में मक्खन होता है, फिर भी तमाम क्रियाएं की जाती हैं, अगर तुम्हारा भैया बड़ा ये कह देता कि होए को धनुष तोड़ने वाले हम हैं, लेकिन उसने क्यों शब्द कह के मुझे भ्रम में डाल दिया, इसलिए उस क्यों का निराकरण मैं कराना चाहता हूँ, वो क्यों कौन है समाज के समक्ष आए, मैं भी उसे देखूं कि जिसकी बार बार प्रशंसा कर रहे वो क्यों जो है कौन है। तो ध्यान रहे लक्ष्मण कि आज समझ में नहीं आता है कि बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटते जाता है क्या न्यूतारी ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटते जाता है, मुझको नीचा मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी वाल ब्रह्मचारी और क्रोधी हूं। शासा लक्ष्मण, मैंने कहा था कि गर्भन के अर्भक दलन परस्मोर अति घोर, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं परस्य काटता नहीं हूं, मैं परस्य गर्भ नहीं गिराता, केवल परस की गर्जना से ही गर्भन के अर्भक दलन परस्मोर अति घोर गर्भ गिर जाते हैं। इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि लक्ष्मण, जैसे बालक हो वैसे बालक की तरह रहो, और जो है ब्राह्मण का सम्मान करना सीखो, ब्राह्मण का सम्मान करोगे तो बेटा बबुआ ऊंचे उठ जाओगे, बहुत ऊंचे उठ जाओगे, अगर ब्राह्मणों का अपमान किया तो पतन हो जाएगा संसार में, ये आज सब मंचनते मंचक है, सुंदर विशद विशाल जो मिला है ये प्राप्त होने वाला नहीं है। कभी कभी श्राप के द्वारा भी वरदान का फल मिल जाता है, तभी तो एक महापुरुष के द्वारा श्राप मिला, और जब श्राप मिला तो ये कहा मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। कभी कभी श्राप से वरदान की भी पूर्ति होती है, जैसे
जो कुशल वैद्य होते हैं वो विष से भी अमृत का परिणाम ले लेते हैं। जो विष व्यक्ति को मार देता है जब वो अपने ढंग से पान कराते हैं तो रोगी का रोग दूर हो जाता है। बस वही स्थिति है। सांप जिस समय लोमस ऋषि ने अपने शिष्य को दिया पक्षियों की कोट में पहुंच गया, लेकिन वही पक्षी फिर कथा कहने वाला बन गया। उस पक्षी ने जो देखा संसार में कोई नहीं देख पाया, काग भुसुंड ऐसा नाम पाया। और उन काग भुसुंड उन पक्ष ने जब कथा कहना सुनना प्रारंभ किया तो तुम्हारे गुरुदेव भगवान शंकर को भी पक्षियों की पंक्ति में पीछे बैठ करके कथा सुननी पड़ी। अगर वो शाप को न पचाते तो उन्हें ये परिणाम कभी नहीं मिलता। इसलिए महाराज ये बातें न करो, लड़ाई की बात हमसे न कीजिएगा, हम क्षत्रिय हैं। अरे आप तपस्या आपका गुण है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। तो ऋषिराज अगर आप परस उठामेंगे तो ये समझ लीजिए कि चमाचम चमकती है प्रतिंचा इन करों में जब, तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं के सीने दहलाता है। भागते हैं योद्धा मेरी ललकार सुन, चतुर्ग दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताएं मुनि, लाशों पर लाशों के खरिंजे लगाता है। ए लखन मोर तू जानत ना, मुख बोलत भैन कठोरा है, कौटक वीर हने रण में इस फरसे से सिर फोड़ा है। सब जीवत भूपन को कह गए लक्ष्मण, सब जीवत भूपन को कह गए, पर अग्नि में मैं बो रहा है, लेकिन तुमको छोड़ रहे इसलिए कि मेरे सामने छोरा है, मेरे सामने छोरा है। और सुनो लक्ष्मण जो है तुम दम 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 के दैत्य दानव दैलान दुरी दमक स्तम दामिन सोन दल दुष्ट दल जाएंगे, भवरी भगेंगे भूप भवन पर भयातुर होए, भूम पर भारी साम्राज्य दर्शाएंगे। सर सर सरासन सो सरके शर बिंदु सरिस सालमान शत्रु सिंह सामने न आएंगे। ये लखन जब लखेंगे तो जरेंगे लख लाख लोग, मानस मार्तंड आज महिमे मिल गाएंगे। आहा विधाता यह क्या हो गया है, आहा विधाता यह क्या हो गया है, न जाने अपने को समझ का रहा है। अरे एक छोटा सा मच्छर इस सिंह को धमका रहा है, न जाने अपने को समझ क्या रहा है। लेकिन लक्ष्मण जान ले तू अपने भाई से जुदा हो रहा है, न जाने अपने को समझ क्या रहा है। आहा विधाता यह क्या हो गया है, एक छोटा सा मच्छर इस सिंह को धमका रहा है, सिंह को धमका रहा है, सिंह को धमका रहा है। बड़े बड़े वीरों को धूर में मिला दूं, आस दिगत दिग दंतन के दंतन को उखाड़ूंगा, कूरम कुचाली विपचारी महिपालन को आज सम्रांगण बीच मिट्टी में मिलाऊंगा। जहर के बुझे हुए बाणों के प्रयोगन सो भारी भारी वीरन को मार के भगाऊंगा। ये सब काम करके न दिखाए देव तो सौगंध आपकी, अस्त्र शास्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। एक लक्ष्मण की बात नहीं, चार चार जहरीले तुम हो, राम लक्ष्मण भर शत्रुघ्न तो जहर जहरीले सर्पों की, मैं पलट पाटली खोलूंगा और चटक चटक चटीले दंतों की मैं पलट पोटली खोलूंगा। और सुनो फिर विषम विषैला शिष्य तभी शंकर का वन जाऊंगा, वन वन कह जय शंकर सारा जहर पी जाऊंगा। एति न करूं तो सभा में पुकार कहो कि अस्त्र शस्त्र छोड़ रहकर नंदन परशुराम न कहूंगा, परशुराम न कहूंगा, परशुराम न कहूंगा। तुम जहर क्या पी जाओगे, भगवान शंकर ने विश्व कल्याण की कामना के लिए जहर पिया था। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, और हमें लगता है आप अपने कल्याण के लिए विष पियेंगे, आप क्या करेंगे विष पीकर। अरे देखने में सीधे छबीले रंग, लेकिन शत्रुदल दलने में कांट समकटीले हैं। भरत रिपसूदन की गिनती गिनावे कौन, अरिन को संहारबे में निपट ही हटीले हैं। लखन की न पूछो ये वैसे ही भुजंग कोले, वीर बांके नुकीले हैं। ए हो भृगुनाथ ना देखे और सुने हुई हैं ये दशरथ
कुमार चंद्र चारो जहरीले हैं। अरे मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने छोटी नदी बहा दी है, एक बार क्या कई बार छत्राणी ना बना दी है विख्यात। अरे दो भुजाएं हैं तेरे लक्ष्मण, लेकिन हजार भुजाओं वाला विख्यात सहस्र बाहु के भुजदंड काटने वाला है। ए लक्ष्मण तू भी निहार, ये खून चाटने वाला है। अरे सिंहों का बलिदान न होते सुना, बकरे बल बेदी पर लाए गए, सबलों को सताना सुनाना कभी, लेकिन निर्बल ही जग में सताए गए। तिरछे द्रुम काटे गए ना कभी, सीधों पे आरे चलाए गए, किचुओं को दूध मिला न कभी, विषधारी को दूध पिलाए गए, वीरों का मान घटा न कभी, कायर ही रण में भगाए गए, और सिंहों का बलिदान न होते सुना, बकरे बल बेदी पे लाए गए। देखो मैं आया, आने के बाद लक्ष्मण क्या तुमने नहीं देखा, यहां के राजा लोग उठे और कैसे प्रणाम किया कि पित समेत कहे निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम यहाँ पर किया गया। और उसके बाद लक्ष्मण तुम देख रहे थे, क्या देखा कि जनक जो यहाँ का योगी है, जो यहाँ का राजा है, जो इस कार्य को कर रहा, वो आया। कैसे आया कि जनक बहोर आए शिरनावा, जनक आया और ये कहता हूं वीर है, यहाँ पर जनक आया और जनक ही नहीं, उसने पर अपनी पुत्री को बुलाया, सीए बुलाए प्रणाम करावा। और तीसरी बात बड़ी देखने की है, विचार करने की है कि जो बाबा थे जिनकी उम्र 60,000 वर्ष है, ऐसे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जिनके लिए लिखा है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसाय विपिन आश्रम शुभ जानी, ऐसे बाबा विश्वामित्र आकर के मिले। और किससे मिले, परशुराम भृगुनंदन से आकर के खुद मिले, और मिले विश्वामित्र मिले पुनाई। हाँ एक बात जरूर है कि जो तुम अब समझ रहे हो, जो परशुराम को समझ रहे हो, अपने को सिंह समझ रहे हो, उस समय भी तुमने समझा था। और क्यों समझा कि बाबा विश्वामित्र मिल गए लेकिन तुम चरणों में नहीं गिरे। तो क्या हुआ, बाबा ने देखा कि हमारा लोग कहेंगे कि गुरु ने क्या शिक्षा दी, बाबा ने तुम्हें पकड़ा बेटा, बाबा ने बबुआ तुम्हें पकड़ा, और दोनों राजकुमारों को पद सरोज मेले, मेले माने मिले नहीं, मेले माने होता है डालना, तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती चरणों में डाल दिया गया, क्योंकि तुम नहीं जानते थे प्रणाम करना, डाला गया तुम्हें, और डाल करके लक्ष्मण तब ने जो है प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया भली जोड़ी जान करके, लेकिन उसका तुम जो है लक्ष्मण सदुपयोग न करके आज जो है दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए लक्ष्मण मैंने फिर परस उठा लिया आशीर्वाद देने के बाद में भी, क्योंकि मेरी एक विशेषता होती है कि ध्यान रहे कि जो झुक न सका मैंने बस उसको मार दिया है, लेकिन मानवता से जो नहीं झुका बस उसको केवल मारा है मैंने जो है, और दानवता से जो झुका नहीं बस उसको मार दिया है लक्ष्मण, उसको मार दिया है, उसको मार दिया। आपकी बात मैंने सुनी, प्रणाम नहीं किया, मेले जबरदस्ती मिला दिया गया, और शब्द का जो प्रयोग है मानस में, विश्वामित्र मिले पुन जाई, पद सरोज मेले दो भाई, मेले क्रिया है, पद सरोज मेले दो भाई, मिलाया नहीं गया, मेले मेले माने प्रणाम किया। और एक जगह इसका प्रयोग है, पुनि चरणन मेले सुत चारी, यहां मेले का अर्थ बताइए किसने मिला दिया, यहां किसी ने नहीं कहा, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरत बिसारी। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि कभी कभी जब समय मिल जाया करे तो अध्ययन कर लिया करें। और इस संदर्भ में जो आपने कई टिप्पणियां दी हैं कि हमारे लिए प्रणाम प्रस्तुत किया गया, तो आप विचार करें, आपको प्रणाम तो किया लेकिन कैसे किया, भयवश प्रणाम किया, उठे सकल भय विकल भुआला, प्रणाम करने वाले भयभीत हैं, लेकिन जिस समय हमारे गुरु जी को राजा जनक ने प्रणाम किया, जनक ने जब आपको प्रणाम किया तो केवल सिरनाबा, और इन्हीं जनक ने जब हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी को प्रणाम किया तो कीन प्रणाम धरण धरि माथा, पाठांतर चरण धरि माथा, चरणों पे मस्तक रख दिया, आपको केवल मस्तक नमाया, ये प्रणाम करने के प्रकार हैं, इसलिए इससे किसी का वर्चस्व प्रमाणित नहीं होता है। और इस संदर्भ में लड़ने की बात आप हमसे ना करें,
महाराज हम है बालक और आप हैं ज्ञान वृद्ध, इसलिए कहीं दूसरा जोड़ खोज लें और लड़ने की बात करोगे तो ये गगन गड़गड़ाएगा और ये अवन फट जाएगी, बेग पड़पड़ पड़पड़ाकर सीधे भाग जाओगे, लक्ष्मण के बाणों की याद ही जब आएगी। एक ही बाण में मिलोगे मुन मिट्टी में, ये सजी सजाई देह सारी सजी रह जाएगी। यासो महाराज ये बातें बंद करो, नहीं तो समाज में किसी की कुदृष्ट लग जाएगी। परशुराम जी महाराज का क्रोध जब आकाश की ऊंचाई को स्पर्श करने लगा, परशु जो उनके जीवन में क्रांति का साधन रहा उनके हाथ में था, उसे उठाया और तेज ध्वनि से वे कहने लगे। बोले चितल परशु की ओरा, रे सठ सुन है स्वभाव न मोरा। अरे सठ, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। लेकिन मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मारता हूं और तू मुझे केवल मुनि मानता है। सुन, मेरी कोट भिन्न है, मैं किस प्रकार का मुनि हूं सुनाता हूं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। इन्हीं भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को राजाओं से रिक्त किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, विपुल बार, अनेक बार त्रिशत कृत्वाम निक्षत्र मही 21 बार पृथ्वी का दान दिया। और ये मेरा परस वे किसकी क्या विशेषता है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, सहस्त्राबाहु की हजार भुजाओं को काटने वाले मेरे इस भीषण परस को लक्ष्मण तू देख। राजा के लड़के माता पिता को वशीभूत सोच के मत कर। मात पिता है जन सोच बस करस महीष किशोर, गर्भन गर्भन के अर्भक दलने परस मोर अति घोर। जब भगवान परशुराम जी ने परस के संदर्भ में अपनी बात बताई, लक्ष्मण को सहसा फिर हंसी आ गई और भी कुछ कहने लगे। बिहसी लखन बोले मधुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, वे कहने लगे। मुनिवर आप केवल ये कहते हैं केवल मुनिजड़, और मैं आपको मुनि नहीं मुनीस मानता हूं, महाभट मानता हूं। योद्धा चार प्रकार के, भट सुभट उद्भट महाभट, इनमें वो परशुराम जी महाराज आप हैं महाभट, मानी भी हैं। आपको मैं देख करके पहचान चुका हूं। और वो कैसे पहचाना, परस देख करके नहीं और कुछ देखा है।
बार बार जो आप परस दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो परस दिखा करके फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहां कोई कुमले की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाए। आपके हाथ में कुठार, सरासन और आपका ये बाना, यही देखा मुझे ये अभिमान हुआ कि आप महाऋषि हैं। कुठार, सरासन, बाण ये आपके उपकरण नहीं हैं। आपके हाथ में वैदिक मंत्रों का संग्रह होना चाहिए। आपका हाथ तो विश्व फलक को करतल गत आमलक समाना के तद्वत देखता है। अभिमान हुआ अपने प्रभु पर, अपने ईश पर, अपने गुरु पर अभिमान भी अच्छा होता है। अपने पर अभिमान अच्छा नहीं होता, इसीलिए कुछ कहा। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। भगवत समझ जाने उपिलो